रोहतक लोकसभा के अंदर जो 9 विधानसभा की सीटें हैं जी, पिछली जो 2019 का चुनाव हुआ था जी, उस 2019 के चुनाव में उन 9 सीटों में से 7 कांग्रेस जीती थी जी। अगली विधानसभा की सीट बात करते हैं, अगली सीट है महम जी, बलराज कुंडू वहाँ के MLA थे पिछली बार जी। किलोई विधानसभा जी, किलोई तो कोई मुकाबला या नहीं, कोई मुकाबला चर्चा करें या ना करें। अहिरवाल की सीट है कोसली जी, इस विधानसभा सीट पर कोसली में 2019 में कोसली ने सारा खेल बिगाड़ दिया था दीपेंद्र हुड्डा का। अब ट्रेडिशनल वो सीट मानी जाती है बीजेपी, बीजेपी की अहिरवाल की, अहिरवाल के वजह से। ओम प्रकाश धनखड़ एंड कुलदीप वत्स जी, क्या समझे बादली को, रोहतक में जो मुख्य चेहरे जो हैं दो जी, जो 2019 में भिड़े थे वो 2024 में भी भिड़ेंगे, वही खिलाड़ी हैं। बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा तो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, और उनके मुकाबले हैं मनीष ग्रोवर जी। क्या लगता है कैसी टक्कर कैसी लग रही है आपको? देखिए इस वक्त बीबी बत्रा का जो है ना अपर हैंड है, ही इज ऑन एज जी, और मतलब यही रहा है कि वो सीट उनके पक्ष में जा रही नजर आ रही है। लगता है कि बीबी बत्रा चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव इस समय पूरे शबाब पर है। विधानसभा चुनाव जिसके लिए 5 तारीख को मतदान होना है, अब लोग ये देख रहे हैं कि आखिर कहाँ क्या हो रहा है, कौन से जिले में कौन सी लोकसभा सीट पर कौन सी विधानसभाएं ज़्यादा किस पार्टी की मजबूत हैं। और हम आगे से प्रयास करेंगे, आज से लगातार 10 दिन आपको बताएंगे कि कौन से लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि हमने लोकसभा वाइज इसको यूँ बांटा है कि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं और हर एक लोकसभा की सीट के अंदर 9 विधानसभा की सीटें हैं, इस लिहाज से 10 दिन के अंदर अगले 10 दिन हम लगातार आपको बताएंगे कि कौन सी लोकसभा की जो 9 विधानसभा सीटें हैं वहां पर कौन सी पार्टी की हवा चल रही है, कौन सी सीट भाजपा जीत सकती है और कौन सी कांग्रेस जीत सकती है, और आखिर में आपको बताएंगे कि हरियाणा का पॉलिटिकल मिजाज क्या है, जनता किसको अपना नया चेहरा, नया मोहरा, नया मुख्यमंत्री बनाने का विचार कर रही है। आज पहले दिन हम आपसे बात करेंगे रोहतक लोकसभा को लेकर, क्योंकि रोहतक लोकसभा जहां से दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से, चर्चा करेंगे देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी के साथ जी। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। सुरजेवाला जी से आप परिचित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सुरजेवाला जी, रोहतक में चौधर लाने का नारा दे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुए थे जी। 2005 और 2009 जी, 2009 में उन्होंने चुनाव समय से पहले करवा लिया था जी, तो इसलिए वो 10 साल पूरे मुख्यमंत्री तो नहीं रहे लेकिन 2 टर्म लगातार मुख्यमंत्री बने, और पहला मौका हरियाणा में हुआ जब लगातार 2 टर्म सरकार बनी जी, उसके बाद सरकार चली गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लोकसभा का चुनाव हार गए पिछला जी, लेकिन अब हवाएं कुछ कह रही हैं हुड्डा साहब के लिए जी, उनकी राजनीतिक सेहत के लिहाज से लगता है कि 2024 मंगल हो सकता है जी, आपको क्या लगता है? देखिए इस वक्त हरियाणा में परिवर्तन की जो लहर कह रहे हैं ना जी, वो आम जनमानस के अंदर ये बात इस वक्त सुनने को आ रही है कि परिवर्तन का जो माहौल है वो बनता नजर आ रहा है जी जी जी। तो उस लिहाज से हुड्डा साहब एक कद्दावर नेता है और मुख्यमंत्री के पद पर 2 बार रहे और इस वक्त भी वो CLP लीडर हैं और बाकी उनका बेटा सांसद है। उनका जो है ना रोहतक का जो पुराना रोहतक है खासकर वहाँ पे निर्बाध वो नेता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे तो हरियाणा में पूरी उनकी मान्यता है और पूरा हरियाणा के अंदर उनका वर्चस्व है, लेकिन जो पुराना रोहतक है उसके अंदर तो वो निर्विवाद नेता है। विधानसभा वाइज चर्चा करने शुरू करें उससे पहले जी एक बड़ी दिलचस्प बात है जी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक लोकसभा में जो 9 विधानसभाएं हैं जी, उनमें से 2 सीटों पर हुड्डा कैंडिडेट उतारे हैं हाँ, और दोनों सेलिब्रिटी भी हैं जी। एक हैं गैंगस्टर की धर्मपत्नी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देंगी हाँ, और एक मंजू हुड्डा जी,
खुद भी जिला परिषद की चेयरपर्सन भी हैं जी, और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि वो सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव रहती हैं जी, रील उनकी बहुत चलती हैं, कभी बुल्ट पर और कभी साड़ी में, यानी कि सारे अंदाज उसके होते हैं। और दूसरा है दीपक हुड्डा जी, दीपक हुड्डा खिलाड़ी कोटे से आ गए, क्या वो महम से, महम से हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब पहली बार हुड्डा के मुकाबले दो हुड्डा हैं, तरह से ही कह दूं तो ठीक बात है। कितना फायदा बीजेपी को इसका मिलेगा, इस ट्रंप कार्ड जो खेला है बीजेपी ने? देखिए ये अपनी सोच है बीजेपी की, क्योंकि किलोई हलका तो हुड्डा का ही है, महम में वो बात नहीं है, महम में तो उनको एक खिलाड़ी के नाते उनको उतारा गया है, इत्तफाक से वो उस क्षेत्र के भी नहीं है जी, वो महम उनका गांव जो है महम हलके में नहीं पड़ता, दीपक हुड्डा का कौन सा गांव उनका, उनका गांव तो किलोई में आता है, किलोई में आता है, लेकिन उनको एक ख्याति पर प्राप्त वो रहे हैं, हाँ, खिलाड़ी हैं, बड़े कैप्टन थे शायद टीम के, वो कबड्डी टीम के कैप्टन थे, तो उस नाते उनको खिलाड़ी के नाते उतार दिया है उन्होंने। बाकी यहाँ तक है कि भाई हुड्डा के मुकाबले हुड्डा उतारना जी, तो ये सोच हो सकती है, बट इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। रोहतक लोकसभा के अंदर जो 9 विधानसभा की सीटें हैं जी, पिछली जो 2019 का चुनाव हुआ था जी, उस 2019 के चुनाव में उन 9 सीटों में से 7 कांग्रेस जीती थी जी, हाँ, एक वहां पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी, वो सीट थी कोसली की, कोसली, और एक सीट जीते थे इंडिपेंडेंट, वो सीट थी महम की, बलराज कुंडू जी। अब 9 की 9 सीटों पर चर्चा करते हैं और लास्ट में बताएंगे किन सीटों में क्या हो सकता है जी। सबसे पहले बात करें रोहतक की जी, रोहतक में जो मुख्य चेहरे जो हैं दो जी, जो 2019 में भिड़े थे वो 2024 में भी भिड़ेंगे, वही खिलाड़ी हैं, बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा तो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, आजकल एमएलए भी हैं, निवर्तमान एमएलए हो गए, अब तो विधानसभा भंग हो गई, और उनके मुकाबले हैं मनीष ग्रोवर जी, पूर्व जो मंत्री रहे हरियाणा भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, पिछले दिनों मनीष ग्रोवर खट्टर के काफी मनोहर लाल खट्टर के सारथी कह दूं या रथी कह दूं क्या कहूं, बस जो भी कहे उनके नजदीक रहे, बहुत नजदीक रहे हैं। पिछले दिनों सुरजेवाला जी एक वीडियो वायरल हो रहा था जी, उसमें मनीष ग्रोवर वहां के जो पुलिस कप्तान हैं उनके बारे में बड़ा भड़क भड़क कर कुछ कह रहे थे, बिल्कुल, अभी 15 दिन की बात है, सरकार बन जाएगी, देख लूंगा ये वो, बाद में उन्होंने फिर उसको उन शब्दों को वापस भी लिया है, शब्द तो वापस लेना, लेकिन मुझे बाण जो छूट जाता है ना, हाँ, वापस नहीं लो, नहीं, मनीष ग्रोवर ने आपको ध्यान होगा, एक तो ये हुआ, दूसरा उन्होंने विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले घोषणा कर दी थी कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, फिर एक शिगुफा था, उसके बाद में कहने लगे कार्यकर्ता तो मान ही नहीं रहे, मतलब कार्यकर्ताओं ने जैसे पीछे पड़ गए। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि मनीष ग्रोवर की टिकट बहुत लेट हुई जी, बताते हैं कि जो भाजपा का जो आला कमान था वो मनीष ग्रोवर को टिकट देना ही नहीं चाह रहा था जी, मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट थे क्या मनीष ग्रोवर के साथ? देखिए ये कंट्रोवर्सी तो रही है, और इसके चलते मनीष ग्रोवर को ये भी था कि उनका चुनाव में उतरना और जीत हासिल करना शायद उनको लग रहा था, अभी उसमें कुछ शक शुबा उनको नजर आ रहा था, इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो पार्टी की सेवा करूंगा जी। फिर यकायक वही आपने कहा कि भाई मेरे ऊपर तो कार्यकर्ताओं का दबाव है, जैसे कि उनके बगैर काम ही ना चल जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनकी कदर करता हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। और उनको एक ही सहारा था, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उनको टिकट दिलवाया है। हाईकमान के दिमाग में ये हो सकता है कि वो कंट्रोवर्सियल तो रहे, उनके ऊपर खुद भाजपा के जो सांसद रहे वहां से अरविंद शर्मा, उन्होंने सरेआम 300 करोड़ रुपए का घोटाले का वो लगाया इल्जाम, ये नहीं कि भी वो प्रेस में, उन्होंने तो स्टेज के ऊपर मुख्यमंत्री के सामने खुलम खुला कहा अमृत योजना के तहत जो है ना यहाँ खुला खेल हुआ है, पैसे का घोटाला हुआ है, और उसमें उनको सीधा दोषी माना उन्होंने। अमृत योजना ने तो पूरे हरियाणा में जहर घोला है जी, अमृत नाम था जी, पब्लिक को जनता को विष मिला, अमृत पी गए नेता और नौकरशाह, बिल्कुल। चलो रोहतक में अगर आप कहें हम जी, तो आमने सामने की भिड़ंत है या लगता है आपको कोई और भी तीसरा भी कोई बीच में है? नहीं, आमने सामने की भिड़ंत है वहाँ पे बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर के बीच जी।
क्या लगता है कैसी टक्कर कैसी लग रही है आपको? देखिए इस वक्त बीबी बत्रा का जो है ना अपर हैंड है, ही इज ऑन एज जी, और लग यही रहा है कि वो सीट उनके पक्ष में जाती नजर मतलब आ रही लगता है कि बीबी बत्रा चुनाव जीत सकते हैं। लग यही रहा है, लग ही रहा है, लॉक कर दिया जाए, अमिताभ बच्चन की तरह लॉक कर देते हैं बिल्कुल, या अभी अनलॉक करना चुनना पड़ेगा? नहीं नहीं, कर दिया जाए, कर दिया जाए लॉक। तो रोहतक सीट मान लें कि रोहतक सीट अब की बार फिर कांग्रेस रिपीट कर सकती है, जा रही है। अगली विधानसभा की सीट बात करते हैं, अगली सीट है महम जी, बलराज कुंडू वहां के एमएलए थे पिछली बार जी, निवर्तमान विधायक बलराज कुंडू हैं जी, आनंद सिंह दागी को हराया था बलराज कुंडू ने जी। महम हमेशा चर्चाओं में रहती है सीट, महम बड़ा एक जो है ना चबूतरा और चौबीसी महम सुनाते हैं, और किसी वक्त तो महम पूरा हिंदुस्तान के जो राजनीति के नक्शे में था। हाँ बिल्कुल, मतलब राजनीति का जो बात होती थी महम आती थी, जब देवीलाल ने चुनाव लड़ा फिर ओम प्रकाश चौटाला जी ने लड़ा तब वो बड़ी सुर्खियों में रहा है, बड़ा चर्चा होती थी, ओम प्रकाश चौटाला कहते थे महम का वहम काट देंगे, चलो महम का मेहम भी हुआ, महम का मेहम भी हुआ जी। बलराज कुंडू भी पूरी चर्चा में रहे, 2019 से 24 विधायक रहे जी, कभी सरकार को समर्थन दिया फिर सरकार से समर्थन वापस लिया, फिर चौटाला से मिले, फिर हुड्डा से मिले, यहाँ मिले, वहाँ मिले, अपनी पार्टी बनाई, और अपनी पार्टी के इकलौते कैंडिडेट हैं जी, इकलौते कैंडिडेट हैं। तो महम में बलराज कुंडू भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, कांग्रेस ने चेंज ये किया कि आनंद सिंह दांगी के बजाय उनके बेटे बलराम दांगी को टिकट दिया है, उसको चुनाव उतारा, और भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेट कह रहा हूँ खेल के सितारे कबड्डी सेलिब्रिटी कबड्डी टीम के कप्तान थे दीपक हुड्डा, उनको उतारा चुनाव में जी। महम में क्या लगता है आपको? देखिए वैसे तो तिकोना है मुकाबला, लेकिन एक यहाँ पर पुराने नेता थे बीजेपी के जी, खरखड़ा शमशेर, खरखड़ा शमशेर, उनका टिकट भी नहीं मिला उनकी? नहीं नहीं, टिकट उनको नहीं मिला, वो इस बार अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे, वो ये कहते रहे कि भी मेरे को एक सपना आया कि मैं तो विधायक नहीं बनना, मेरी धर्मपत्नी विधायक बनेगी, और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो अपनी घरवाली को टिकट दिलाने का किया बीजेपी, उनको टिकट नहीं मिला, राधा रानी धर्मपत्नी, राधा रानी जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक कोच होती थी गुड़गांव में, वो भी है मैदान में लेकिन कोई गिनती में नहीं है। मुकाबला क्या लगता है आमने सामने का, या मुकाबला इस वक्त बलराज कुंडू भी कुछ करेंगे? नहीं, बलराज कुंडू मुकाबले में ऐसा लगता है कि कांग्रेस और इंडिपेंडेंट का मुकाबला है, मतलब खरखड़ा है इसमें बलराज कुंडू और बलराम दांगी में, बलराम में आज तो यही नजर आ रहा है, तो मतलब ये देख लें कि किसके बल का राम होगा और किसके बल का राज बनेगा। यस बिल्कुल, तो बलराम और बलराज में आपको लगता है मुकाबला है? हाँ, लेकिन जो पक्ष में हवा है वो इस वक्त बलराम के ही पक्ष में, बलराम दांगी जी, यानी कि बलराम दांगी चुनाव जीत सकते हैं जी, कांग्रेस को दूसरी सीट मिल सकती है महम की, जो पिछली बार उनके हाथ से निकल गई थी, जो पिछली बार हाथ से निकल गई थी वो वापिस आ सकती, वापिस आने के आसार है पूरे, तो इसको भी लॉक कर दें कांग्रेस के फेवर में? हाँ, लगता है ऐसा ही है कि कांग्रेस के फेवर में जा रही है। हाँ जी, तो महम की विधानसभा सीट भी बलराम दांगी चुनाव जीत सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? हम भी यही कह दें कि बलराम दांगी वैसे आगे है ही हैं जी। किलोई विधानसभा जी, किलोई तो कोई मुकाबला या नहीं? कोई मुकाबला, चर्चा करें या ना करें? चर्चा से बाहर है, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कह दिया कि भी मैं फॉर्म भर के और तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ चुनाव, यहाँ का जो मतदाता है वही भूपेंद्र हुड्डा है, उसी ने चुनाव लड़ना है, और अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं बाहर का संभालूँ, तो वहाँ ऐसा कोई बात नहीं, और बहुत भारी अंतर से सीट उनके पक्ष में जा रही है। 2019 के चुनाव में जी आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के कैंडिडेट थे जी, उनके मुकाबले टिकटॉक स्टार को लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी जी, चुनाव तो हार गई थी बड़े अच्छे से, वो भी आज दुनिया में भी नहीं है जी। तो क्या लगता है यहाँ पर भी एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक सेलिब्रिटी है, गिवी रील वगैरह बहुत बनाती है, बनाती है, बट वो ज्यादा वो थी चर्चित थी सोनाली फोगाट। हाँ। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी जी, ये इतनी चर्चा में तो नहीं है, लेकिन चलिए जो भी है, बट ऐसी सेलिब्रिटी से कोई चुनाव थोड़े जीते जाते हैं जी। वो हमारे तो एक श्रीमान जी ने यहाँ तक कहा था कि वो लिपस्टिक पाउडर, हाँ
तो लोग ऐसे, हाँ है तो वो बुरी बातें और गलत है ये शब्द इस्तेमाल करना, तो सेलिब्रिटी हुआ या इस तरह के लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि जेपी ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, नहीं उनका बिल्कुल श्वेता ढोल पे निगाहें थी, निशाना रणदीप सुरजेवाला पे, नहीं बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। अच्छा, ये आदमी के लिए हो ही नहीं सकता। हाँ, आदमी के लिए लिपस्टिक कोई लगा के देखे, एक बार बता रहे थे अब ये तो जेपी के प्रधानमंत्री जी के लिए भी कह देते हैं कि वो बड़ा मेकअप करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लिपस्टिक पाउडर बिल्कुल खालिस, बात गलत थी वैसे, कुछ भी कहा गया बहुत बुरी बात थी, गलत ही नहीं थी, ये सामाजिक तौर पर इसकी भर्त्सना ही की जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेताओं का अपनी जबान पर खासकर कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि नेता जो है वो रोल मॉडल होते हैं, नहीं उनकी बात को उनकी बात को लोग पकड़ते हैं, और दूर तक जाती है, बिल्कुल। तो तीसरी सीट किलोई, और ये भी आप कह रहे लॉक कर दें कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह, बिल्कुल एकदम से कर दी जाए बगैर पूछ के। अहिरवाल की सीट है कोसली जी, इस विधानसभा सीट पर कोसली में 2019 में कोसली ने सारा खेल बिगाड़ दिया था दीपेंद्र हुड्डा का। हाँ, पार्लियामेंट का वो जीती हुई सीट को उन्होंने हार में बदल दिया था, बाद में यहाँ पर विधायक बन गए थे लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण यादव को भेज दिया रिवाड़ी जी राजा साहब ने जी, अनिल डहिना जो उनके नजदीकी थे उनको टिकट दे दिया जी। हाँ, जगदीश यादव टिकट है अब कांग्रेस के कैंडिडेट जी जी। जाटू साना जब सीट थी तो जगदीश यादव एमएलए होते थे जी, जगदीश यादव भी अच्छा बड़ा नाम है, मंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं जी, और इस चुनाव से 24 के चुनाव से लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले ये कांग्रेस में आ गए थे जी। कोसली में दीपेंद्र हुड्डा अब की बार 2 वोट से आगे रहे, यानी कि लगभग 75,000 का वो गैप भी कवर कर दिया और 2 वोट ज्यादा हो गए, ज्यादा भी। कोई नहीं कहता था कि कोसली के अंदर भी दीपेंद्र हुड्डा जीत पाएंगे। हाँ, ये था कि इस बार मुकाबला होगा भाई, लोग फिर भी कहते थे कि पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे बहुत, यस। अब विधानसभा में क्या लग रहा है? देखिए, जगदीश यादव एक बहुत बड़ा नाम है जी, और इलाके में उनका प्रभाव है और मजबूत कैंडिडेट है, और जैसे कि ये समीकरण बदले, पीछे कोसली का एक तरफा था और फिर लोकसभा चुनाव में जो वहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो सोच के मुताबिक तो यही है कि वहाँ के लोगों में जो है एक नज़रिया उसमें चेंज आई है जी, और जगदीश यादव जो है एक मजबूत उम्मीदवार है, तो मुकाबला तो है वहाँ पे। अब ट्रेडिशनल वो सीट मानी जाती है बीजेपी, बीजेपी की अहिरवाल की, अहिरवाल के वजह से, लेकिन ये 2-3 चीज़ों को देखकर वो लगता है कि शायद वहाँ के बारे में कहा नहीं जा सकता। अनिल डहिना के बारे में भी ये चल रहा है कि इनका बहुत विरोध है वहाँ पर, जिला परिषद का चुनाव तक हार गए थे। हाँ, बाहर से हैं और इंद्रजीत के दम पर उनको टिकट मिला है और उस नाते वो वहाँ से अपना चुनाव लड़ रहे हैं उनके सहारे पे जी, तो मुकाबला तो है वहाँ। तो हम क्या बताएं दर्शकों को कि क्या कांटे का मुकाबला या एज किसको कौन आगे रह सकता है? देखिए, वहाँ के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, वहाँ का जो जो है लोगों का जो पिछला रिकॉर्ड उसको देख के और नया परिवर्तन को देख के बहुत उलझन भरा है, उलझन भरा है जी। फिर भी अगर किसको अगर ऊपर नीचे कुछ तो दें अगर लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि जगदीश यादव हैं, मुझे उम्मीदवार के तौर पर तो जगदीश यादव काफ़ी आगे हैं जी, अगर उम्मीदवार को देख के तो वोट पड़ा और कास्ट फैक्टर को देख के वोट पड़ा जो बीजेपी की तरफ है, फिर कहना मुश्किल है ना। उम्मीदवार के तौर पर निश्चित तौर पर वो बहुत, तो कोसली में कुछ भी हो सकता है जी, जगदीश यादव को एज दे देते हैं। हाँ, मैंने कहा ना उम्मीदवार के तौर पर तो वो काफी आगे है, तो कोसली के अंदर लोगों की पसंद है, कोसली जगदीश यादव लोगों की पसंद तो है, लेकिन वहां का जो इलेक्शन रहा है कोसली का वो बीजेपी की फेवर का ज्यादा रहा है, कांटे की भिड़ंत हो सकती है दोनों के बीच। हाँ, अगर जाती समीकरण कुछ इस तरह के आड़े आ गए तो जी। अगली विधानसभा की बात करें तो झज्जर जी, गीता भुक्कल जी शिक्षा मंत्री भी रही हैं, आजकल निवर्तमान विधायक भी हैं जी, ये कैंडिडेट हैं भारत कांग्रेस से फिर दोबारा जी। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है टिकट कप्तान बिधरान को, बिधरान उनका गांव है, कप्तान सिंह बिधराना जी, कप्तान सिंह उनका नाम होगा, तो कप्तान बिधराना को टिकट दिया है, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं जी जी। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट भी यहाँ पर एक मिस्टर दहिया हैं, राजेंद्र दहिया जी, तो ये कैंडिडेट हैं, हालांकि वहाँ पर प्रत्याशी तो
और भी है, इनेलो के भी हैं, जेजेपी के भी हैं, लेकिन जो मुख्य लग रहा है मुझे गीता भुक्कल कांग्रेस और कप्तान बिदराना बीजेपी, क्या लगता है? गीता भुक्कल का जो है ना वो मतलब उसमें है, अभी ऑन एज है और उनका पुराना वो रहा है, मतलब हैट्रिक डालेंगे अब की बार, बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है, जीत जाएंगे, चलो आसार उन्हीं के पक्ष में है जी, उनका जो है ना लोगों में है इस बात का चर्चा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो उनकी जीत के आसार ज़्यादा है जी, उनकी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। झज्जर में वैसे भी लोकसभा चुनाव में भी अच्छा रहा था, पहले सिटी में कहते थे कमजोरी थोड़ी थी, लेकिन बाद में सब ठीक हुआ, अच्छा हुआ बाद में वहाँ पर भी। नहीं वो हाँ लगता है कि वो गीता भुक्कल जो है ना जी वो बाजी मारेंगी, तो झज्जर यहाँ पर कांग्रेस की सीट निकल सकती है, सुरजेवाला साहब भी कह रहे हैं और मैं भी सहमत हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस को एजर, कांग्रेस आगे रहेगी जी। अगली विधानसभा है बहादुरगढ़ जी, बहादुरगढ़ के अंदर बीजेपी के पुराने MLA थे, उनकी जगह टिकट दिया उनके भाई को जी, दिनेश कौशिक को जी, और कांग्रेस ने टिकट दिया वापस राजेंद्र जून को जी। राजेश जून वहां पर एक और नेता हैं, राजेंद्र जून के परिवार से ही हैं जी। राजेश जून पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया था उन्होंने जी। हुड्डा साहब के बारे में लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा ने उनको समझा बुझा कर बिठा दिया, भाई अगली बार आपको दे देंगे ठीक है। गेटिंग सिटिंग का फॉर्मूला कांग्रेस में चला, टिकट राजेंद्र जून वापस पा गए, राजेश जून निर्दलीय मैदान में हैं जी जी। पहले तो ये बताएं कि राजेंद्र जून और राजेश जून में क्या हो सकता है? देखिए राजेंद्र जून जो है वो 3 बार MLA रह चुके हैं जी, 2 बार इनके पिताजी वहाँ से जो है ना वो भी विधायक रहे हैं सूरजमल जी, तो पुराना नाम राजेंद्र जून का है और सीटिंग MLA होने के नाते नेचुरल है, जैसे हरियाणा में वो फार्मूला अपनाया गया बिल्कुल, कि जो भी सीटिंग MLA सभी को टिकट दी गई, ऐसा कोई विधायक नहीं रहा जिसको टिकट ना दी हो जी, उस नाते उनको टिकट मिला है। जहाँ तक आपने कहा कि भी पिछली बार राजेश जून को मना लिया था कि अगली बार आपको टिकट का हो सकता है आश्वासन दिया हो जी, तो उस नाते जो सीटिंग MLA होने के नाते राजेंद्र जून को जो टिकट मिला है, अब वो कितना डेंट वो पहुँचा पाएंगे जी, तो मुकाबला वहाँ तिकोना तो हो रहा है। वहाँ बताते हैं लोग नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी भी हैं, हाँ, वो भी है, सिंपथी लहर उनको मिल सकती है, मिल सकती वो भी क्या मुकाबला बनाएंगी कार्ड्स को फाइट को, या में चर्चा में तो नहीं है, चौकोना में नहीं है ना, बाकी वैसे सिंपथी है लोगों। अच्छा मैं आपको बताऊं राजेंद्र जून और राजेश जून ये शायद चाचा भतीजा हैं, कहते हैं परिवार से एक ही गांव से हैं, और दिनेश कौशिक के सामने उनके भाई जो XML वो हैं जी, वो भी उनका विरोध कर रहे हैं खूब जी। जो MLA थे नरेश कौशिक उनका नाम आ गया था नफे सिंह राठी के मर्डर में जी, तो इसलिए शायद उनको टिकट बीजेपी, इसी वजह से बीजेपी ने उसको टिकट ना दे के उनके परिवार में उसके भाई को टिकट, मतलब परिवार की लड़ाई बीजेपी कांग्रेस दोनों कैंडिडेट के सामने दोनों है, तो बहादुरगढ़ के लिए क्या बताएं लोग क्या समझे इसको? मुकाबला तो राजेंद्र जून और बीजेपी के जो हमारे कौशिक उनके बीच में नजर आती है जी। ये ठीक है कि राजेश जून वो वोट काट रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं, कोई करिश्मा कर पाएंगे लगता नहीं। राजेंद्र जून या दिनेश कौशिक किसको ऊपर माने? राजेंद्र जून को ही जाता है कुछ, क्योंकि वो बेल्ट ऐसा है रोहतक झज्जर बहादुरगढ़ सोनीपत, वहाँ पे लोगों के दिमाग में जहन में एक चीज है कि चौधर को कायम रखना है, उस नाते वो सरकार जैसा लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस की सरकार बने, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री हो और हमारी चौधर बरकरार हो, तो उस नाते वो राजेंद्र जून के पक्ष में हवा जाती नजर आ रही जी। तो राजेंद्र जून को एस दिया जाए, बाकी बहादुरगढ़ में मुकाबला अच्छा हो सकता है, मुकाबला अच्छा हो सकता है। अगली विधानसभा की बात करें तो वो आती है बादली जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी 14 में चुनाव जीते, 19 में हारे जी, 24 में फिर मैदान में है जी। बड़ी लोगों को दुआई देते थे कि भाई 2 नंबर की मिल गई, 1 नंबर के दिलवा दो, 3 नंबर के दिलवा दो, ये कर दो, वो सब चलता था जी। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे अब की बार, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया तो चुनाव मैदान में है। सामने है कुलदीप वत्स जी, कुलदीप वत्स जो है वो वहाँ के अब तक भी MLA है कांग्रेस के, पिछले चुनाव में उन्होंने जी OP धनखड़ को हराया था जी।
जितते गुलिया यहाँ पर एक और है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये, हाँ वो भी है, उनका भी नाम है, कैंडिडेट तो और भी है लेकिन जो प्रमुख नाम है वो ओम प्रकाश धनखड़ एंड कुलदीप वत्स जी। क्या समझे बादली को? बादली जो है वो मैंने बताया ना ग्रामीण क्षेत्र है जी, और जैसा कि अभी हमने जिक्र किया रोहतक की चौधर, उसका काफ़ी प्रभाव है वहाँ उस हल्के पे इस चौधर का, और उस नाते वो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कुलदीप वत्स ने खूब ब्राह्मण सम्मेलन करवाए थे हुड्डा साहब के फेवर में, जी दीपेंद्र हुड्डा के लिए जी, और अच्छे बढ़िया प्रोग्राम करते थे हमेशा, उनके घर निवास पर भी, दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर भी बड़ा कार्यक्रम किया था जी जी। और अगर मान लें तो ब्राह्मण मतदाता कुलदीप वत्स के लिए और जाट मतदाता हुड्डा साहब के लिए, दलित मतदाता कांग्रेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा फेवर में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो माने कि बादली कांग्रेस के लिए एज और कुलदीप वत्स निकल सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा ना कि ओम प्रकाश धनखड़ वो ये दो नंबर की, तीन नंबर की, एक नंबर की गाड़ी में सवार होना चाहते थे जब प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनको तो उस गाड़ी से भी उतार दिया खट्टर साहब ने, जैसे खट्टर साहब को उतार दिया मोदी जी ने बाद में, पहले खट्टर साहब ने उतार दिया था धनखड़ को। मोदी जी ने खट्टर साहब को तो उस गाड़ी से उतार के और बड़ी गाड़ी में बैठा दिया यूं मानो तो, और लेकिन मन तो उनका भी उसी गाड़ी में सवारी करने का था। सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री तो होते ही है, देखिए डीएम सीएम और पीएम पद तो तीन ही है, भले वो गाड़ी बड़ी हो बिल्कुल, लेकिन जो मजा इस गाड़ी में, जो मजा सीएम वाली गाड़ी में था वो उसमें नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब भी उनकी इच्छा और मन तो यही है बिल्कुल। तो धनखड़ साहब का तो जो है उस नाते लड़ना तो क्यों नहीं चाहते थे, वो लड़ना चाहते थे, बताते हैं नहीं लड़ने का उनका तो मूड नहीं था, क्यों नहीं था, वो तो ये कहते मैंने चार टिकटें दिलवाई, मैं तो अपनी टिकट, वो तो कहते हैं, आप तो सब कुछ कहते हैं, सब कुछ कहा जाता है अब तो, लेकिन वो कतराते होंगे हाँ, इंटरनल कई बार लगता है कि कमजोरी ना हो, ये ना हो, दोबारा फिर अगर हो गया, दोबारा फिर अगर पराजय का मुंह देखना पड़ गया तो हो सकता है कि उससे इमेज खराब हो, ये हो सकता है। तो अभी तक हमने सात विधानसभा की सीटें कर ली, आठवीं की चर्चा करते हैं, वो है रिजर्व सीट है कलानौर जी, शकुंतला खटक वहाँ से विधायक हैं आजकल जी, और उनके सामने जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो है रेणु रावला जी। कलानौर भी जैसा हम सारी चौधर वाली बात कर रहे हैं तो चौधर वाले के अंदर हिस्सा तो पुर्जा तो कलानौर का भी, देखिए शकुंतला खटक के बारे में यही है, वो खटक पटक काफ़ी रखती हैं, एक मजबूत महिला है, भारी भरकम नेत्री है, हाँ भारी भरकम है, मजबूत है, और उससे पहले वो स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, हुड्डा साहब के परिवार के काफ़ी नज़दीक रही, नर्स थी शायद स्वास्थ्य विभाग में जी जी, पीजीआई में रोहतक मेडिकल कॉलेज में जी जी। और हुड्डा साहब राजनीति में कैसे आना हुआ शकुंतला खटक जी, कुछ वो एक तो हुड्डा साहब के परिवार से नज़दीकी थी, नज़दीकियाँ थी, वो जाती रहती थी, उनसे मिलती रहती थी, फिर चस्का लग जाता है राजनीति का बड़ा है, तो धीरे धीरे लगा उनको, तो उनको टिकट मिलने में कामयाबी मिली जी। क्या लगता है शकुंतला खटक के फेवर में जाता है, अब भी बिल्कुल जीत सकती हैं, जीत सकती हैं, क्या जीतने का आसार उन्हीं के ज़्यादा है, मतलब जीत रही हैं ये कहते हैं, हाँ लग तो यही रहा है, तो बाकी जनता जनार्दन जाने, फिलहाल तो ये पता चलेगा 8 तारीख को ही जी जी, लेकिन जो हवाएं संकेत देती हैं वो आप कह रहे हैं, जो नजर आ रहा है, जो आसार दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों में चर्चाएं हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, बाकी तो भविष्य क्या होगा और क्या, मतलब कांग्रेस एज है जीत सकती है, चुनाव बहुत दूर है, कांग्रेस आगे है, चुनाव जीत सकती है, बिल्कुल आज के दिन तो। 9 विधानसभाओं में जो रोहतक लोकसभा की अंतिम विधानसभा पे आते हैं बेरी जी, इमली का बूटा बेरी का पेड़ जी जी, इमली खट्टी मीठे बेर जी जी जी, रघुवीर कादियान के लिए तो बेरी के बेर मीठे ही रहे हमेशा, अब की बार फिर टिकट दे दिया रघुवीर कादियान को कांग्रेस ने जी, चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति शुरू हुई थी रघुवीर कादियान जी की जी जी, और आज तक शायद 6-7 बार एमएलए बन चुके हैं, 5-6 बार उनके सामने जो टिकट पर लेके आए धनखड़ साहब ने शामिल करवाया उनको, संजय कबलाना जेजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे झज्जर के जी, उनको बीजेपी में लाए और बीजेपी से टिकट दिलवा दिया जी जी। क्या समझें अब की बार बेरी के बेर किसके लिए मीठे होंगे, लगता तो ये रघुवीर कादियान जी के लिए एक बार फिर बिल्कुल किस्मत के धनी कहिए। संजय कबलाना को लाने का क्या मकसद रहा होगा, बेरी और बादली मुझे लगता है साथ साथ लगते इलाके हैं,
कई बार आदमी अपने खुद के स्वार्थ के लिए भी मुझे वहाँ से वोट मिल जाए, मैं वहाँ से आपस में लेन देन का भी चलता है, उस नाते भी हो सकता है धनखड़ साहब को रहा हो। बिल्कुल, कोई बहुत बड़ा और संजय कबलाना का नहीं था, जिला अध्यक्ष थे, जेजेपी के इलेक्शन में लड़े थे पिछला वैसे तो जी, लेकिन एकदम से कांग्रेस में उनको लाया गया, कांग्रेस से उनको जेजेपी से बीजेपी में लाया गया और ला करके टिकट दे के चुनाव मैदान में उतार दिया जी। क्या समझे बेरी के लिए, अब क्या लगता है आपको? मैंने बताया ना कि रघुवीर पादयान जी का के पक्ष में हवा नजर आ रही है इस वक्त जी। लॉक कर दें रघुवीर पादयान जी को भी जी। जो अभी तक हमने चर्चा की उसके अंदर हमने रोहतक लोकसभा की जो 9 सीटें हैं जी, नंबर एक पे रोहतक हमने कांग्रेस को दी जी, महम हमने कहा कांग्रेस आगे है जी, किलोई हमने कहा हुड्डा साहब का कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस आगे है जी, कोसली आपने कहा फाइट है और टाइट है। बिल्कुल, कितनी फाइट और कितनी टाइट कोसली का भी पता लगेगा 8 तारीख को। अगली सीट हमने झज्जर बात की, आपने कहा कांग्रेस एज है, कांग्रेस आगे है, चुनाव जीत सकती है गीता बक्कल। अगली हमने बात की बहादुरगढ़, आपने कहा मुकाबला तो है लेकिन चुनाव राजेंद्र जून आगे हैं जी। अगली बात हमने की थी बादली की, तो आपने कहा कुलदीप वत्स चुनाव जीत सकते हैं जी। इसके अगली हमने बात की बेरी की, तो आपने कहा कि आगे हैं रघुवीर कादयान अब भी जी, और शकुंतला खटक के लिए कहा कि खटक पटक उनकी जारी रहेगी शकुंतला जी की कलानौर में अब भी जी। 9 में से 7 सीट पिछली बार थी, आज अपने उनको अब 8 सीट तो नजर आ रही है कम से कम, मतलब नुकसान तो कम से कम कांग्रेस को रोहतक लोकसभा में अब भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जो उनके पास पिछली बार 7 सीटें थी उनसे आगे आज बढ़ोतरी होने के पूरे चांस जी, बढ़ोतरी ही होगी ऐसा नजर आ रहा है। तो आपकी माने तो 9 सीटों में से 7 जो पहले थी वो तो रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी, हो सकता है वो 8 और 9 भी पहुंच जाए, हो सकता है। तो आज हमने बात की रोहतक लोकसभा की उन 9 विधानसभा सीटों के बारे में जिनमें से 7 सीटों पर कब्जा था, 7 सीटों पर विधायक थे कांग्रेस के। रोहतक कांग्रेस की सीट थी, बेरी कांग्रेस की सीट थी, कलानौर कांग्रेस की सीट थी, बहादुरगढ़ कांग्रेस की सीट थी, किलोई कांग्रेस की सीट थी। इसके साथ साथ रोहतक भी कांग्रेस की सीट थी और बादली भी कांग्रेस की सीट थी। महम से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे उस चुनाव में, और कोसली वहां पर भाजपा के कैंडिडेट चुनाव जीते थे। सुरजेवाला जी कह रहे हैं और राजनीतिक हवाएं भी ऐसा संकेत दे रही हैं कि बीजेपी को कोई अब भी वहां पर फायदा होता नहीं दिख रहा, और हवाएं ये संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस को वहां पर कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा, यानी कि 7 सीटें रिपीट होना तय है, वो 8 भी हो सकती हैं और 9 भी हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2019 में 1 सीट मिली थी मात्र कोसली की, वो कोसली रह भी सकती है और कोसली हाथ से जा भी सकती है। तो आज पहले दिन हमने बात की रोहतक लोकसभा की 9 सीटों की चर्चा, कल बात करेंगे अंबाला लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा कि अंबाला में क्या हो सकता है। ये लगातार हमारा कारवा चलता रहेगा, 10 दिन तक आपसे बात करेंगे और 10वें दिन के बाद बताएंगे कि पूरे हरियाणा में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो आज 9 में से मिनिमम 7 to 9 कांग्रेस और 1 to 2 विपक्ष, विपक्ष में बीजेपी भी हो सकती है और अदर्स भी हो सकते हैं जी। कल आपसे अंबाला के बारे में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।